छत्रपति शिवाजी महाराज का वाग्नक बुधवार को लंदन के संग्रहालय से मुंबई लाया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस वाग्नक से अफजल खान का वध किया था। इस ऐतिहासिक वाग्नक को सतारा के ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय में रखा गया। गाजेबाजे के साथ वाग्नक का अनावरण किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम एकनाथ शिंदे ने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की तारीफ की और कहा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव है और इससे पहले शिवाजी महाराज के वाग्नक को सतारा में प्रदर्शित किया जा रहा है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, कैबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई समेत तमाम नेता इस दौरान मौजूद रहे। छत्रपति शिवाजी महाराज का वाग्नक बुधवार को लंदन के संग्रहालय से मुंबई लाया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस वाग्नक से अफजल खान का वध किया था। इस ऐतिहासिक वाग्नक को सतारा के ऐतिहासिक छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय में रखा गया। गाजेबाजे के साथ वाग्नक का अनावरण किया गया। इस मौके पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम एकनाथ शिंदे ने मंत्री सुधीर मुनगंटीवार की तारीफ की और कहा कि आने वाले समय में महाराष्ट्र विधानसभा का चुनाव है और इससे पहले शिवाजी महाराज के वाग्नक को सतारा में प्रदर्शित किया जा रहा है। आपको बता दें कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, कैबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई समेत तमाम नेता इस दौरान मौजूद रहे। आपको बता दें कि वाग्नक बाघ के पंजे के आकार का एक हथियार है जिसका इस्तेमाल छत्रपति शिवाजी महाराज ने 1659 में बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान को मारने के लिए किया था। कहा जाता है कि अफजल खान ने धोखे से शिवाजी महाराज को मारने के लिए समझौता करने के लिए बुलाया था, मगर उसकी चाल को समझते हुए शिवाजी महाराज ने पहले से ही अपनी सुरक्षा की पूरी तैयारी की थी। अफजल खान की साजिश को नाकाम करने के लिए शिवाजी महाराज ने वाग्नक से उसका पेट फाड़कर उसे मौत के घाट उतार दिया था। बता दें कि अगले 7 महीने तक सतारा संग्रहालय में सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए यह उपलब्ध होगा। खोटी न कहे, खोटी न कहे। ये सभी लोगों के पूरे देशवासियों के लिए, महाराष्ट्र के तमाम शिव प्रेमी शिव भक्तों के लिए ये गौरव की बात है, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे आराध्य दैवत है और जिन्होंने जो अफजल खान महाराष्ट्र के ऊपर जो चढ़ाई करके आया और छत्रपति शिवाजी महाराज को खत्म करने की जो उन्होंने सोच की थी उसको इसी वाग्नक से छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसका वध किया और ये दिन शौर्य दिन मनाया जाता है और वही वाग्नक आज यहाँ पर महाराष्ट्र में आए हैं जिसका लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और उसका हमें दर्शन हुआ और इसका आज से लोगों के लिए दर्शन के लिए खुला हुआ।